कैसा लगा है आज आपको? तो गाइस आप लोग देख सकते हैं लोग, आप लोग बताइए कि कान में का कैसा है, हम ही गिफ्ट किए हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक हम लोग ऐसा इंसिडेंट देखे कि उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और वो जो था ये मतलब कि एक डॉगी मतलब माँ थी, डॉगी माँ, तो अपने बच्चों का बच्चे का जो था वो कैसे मतलब अपना प्रोटेक्ट करती है उसको मरने के बाद भी। तो ये जो सीन था आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग खुद समझ जाएंगे पूरा वीडियो देखने के बाद से। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और 44K सब्सक्राइबर करने के लिए। और जैसे और आप लोग ऐसे ही हमेशा प्यार दीजिएगा। देखते हैं और मम्मी जो है वो गाँव में हम लोग जब गए हैं तो कैसा रहा माहौल? कुछ बिचाली कल था वो भी चलाने पे मज़ा आया। और वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें देखने के लिए जो कि हम लोगों को ऐसा सिवान में और मतलब ऐसे देखने को नहीं मिलता है ज़्यादातर, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा मस्त अच्छा लग रहा था। तो चलिए वो भी देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हम लोग के घर में, जैसे घर में किचन जो है वो कैसे भरा लग रहा है आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। ओ बॉय ये दब रहा है, दबो दबो नानू को दबो। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इनके पापा सोए हुए हैं और ये जो है अपने पापा का ले गया मेरा पेट पेटे अपने पापा के अपने देह दाब रही है, ये दबा रही है उनको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आई हमारा दाबरा है, आई इनका चढ़ के ये दाब रहा है और जो बाकी देखिए वो मेरे पर गिर जा रहा है सब। हाय बोल दो। हाय लड्डू है। हमारा ढोड़ी में दुखा रहा है कुछ अंदर। अरे तो मेरे पे मैं माता जी का और ये भोग लग गया है, अभी फूल मिला नहीं है तो ऐसे हो गया है। और ये दीप चल रहा है देखे, तो आज पूजा पाठ हो गया, आज मंडे है और आज से सब लोग का स्कूल भी जाना है, जा रहे हैं लोग स्कूल आज, तो वहाँ का कुछ आपको थोड़ा सा दिखा देंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कहीं जा रहा हूँ तो आप लोगों को वीडियो में मम्मी अभी आगे बताएंगी कहाँ जा रहे हैं और क्या करना है। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो ये बबुनिया मोड़ है सिवान का और आज गए जितना रस है मार्केट में कि मैंने क्या बताएं, टेंथ का एग्ज़ाम हो रहा है बिहार बोर्ड, तो इसलिए आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन हम लोग गलत टाइम में निकले हैं घर से, नहीं आज ऐसे ही होता है। इस समय छुट्टी हुआ है बच्चों लोग को, तो अब देख सकते हैं लोग कितना भीड़ है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और काफ़ी भीड़ है गाइस, जा रहे हैं एक बच्चे के यहाँ, वहाँ कुछ ज़रूरी काम है इसलिए इनको पापा को टाइम नहीं मिला है, तो हम और प्रिंस जा रहे हैं दोनों आदमी साथ में। और घर पे मनीषा है और पूजा भी आ गई है आज। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी जो है रास्ता में डाला बंद है
वहाँ पे ट्रेन जो है जा रहा है, तो मम्मी क्या कर रही है कि पपीता खा रही है और मेरे लिए लाई है इधर संतरा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा लगता है संतरा और पपीता? संतरा पहले टेस्ट किया है एक फरा इसमें से, तब खरीदा है कि मीठा है कि नहीं है। ठीक है, कितना लोग टेस्ट करके छोड़ देता है लेकिन मीठा है। तो चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर में वो खुल जाएगा फाटक, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा जाम है सीमान में, क्योंकि आज जो है वो टेंथ वाले का परीक्षा भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे चल के, गाना भी बज रहा है एक पल का। ये मोटा तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो छोटा टाडीला है, टाडीला वहीं पे छिमी का पौधा है, ये तो छिमी का पौधा है जो मोटा होता है। ये सरसों का है, ये सरसों है। अभी हम लोग जा रहे हैं लोग बथानी में। यहाँ बथान है, और गाइस देखिए हम लोग कितने पतले रास्ते से जा रहे हैं, और वहाँ पे जा रहे हैं उन लोग को गाय रहती है। पुराना जमाने का है ये सब, मिट्टी का ढेरी, इसमें ना जाकर ऊपर बाल्टी में दूध टांगा हुआ है कपड़ा से। तो इसके निकालते कैसे होंगे लोग? वहाँ मुँह है, खोल के निकलाए, बंद किया हुआ। अभी हम लोग दाम पूरा गांव के अंदर घूम चुके हैं लोग, इसको बथानी बोला जाता है। क्या नाम है इसका बछड़ा का? नाम रखा है तुम लोग? तुम क्या नाम रखा है जी इसका? क्या नाम रखा है? रानी बोल दो इसको। ऊपर दांत होता है, नीचे दांत नहीं होता है? नहीं देखो तो दांत कहाँ है इसका? दो गो दांत है। ऊपर होता है कि नीचे? नीचे। ऊपर नहीं होता है ना? गाँव का चीज है कौन कौन है? देख लीजिए हम लोग चलाए हैं तो अपने गाँव। ऐसे हम लोग लौट के जा रहे हैं, एक चीज आप लोगों को दिखाना है कि हम लोग तो अक्सर सुनते हैं कि माँ अपने बच्चों को कैसे रक्षा करती हैं, लेकिन अगर बच्चे नहीं भी रहते हैं तो भी माँ कितने दुख से उसको झेलती हैं। तो अभी हम एक जानवर है डॉगी, उसका डेथ हो गया है और उसकी माँ यहीं पे बैठी हुई हैं, कोई भी जा रहा है तो उसको भौंक रही हैं, और हम लोग जाते समय भी देखे थे और आते समय भी देखे थे। तो ये देखिए गाइस, देखिए इसका बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ। यहाँ पे जो है वो डॉगी मर गया था, तो उसकी जो माँ है वो सुबह से वहीं बैठी हुई है। हम लोग जब जा रहे थे तो देख सकते हैं कि जिस जा रहा है वो बचाने के लिए कुछ भी कर दे रहा है। देख सकते हैं लोग वहाँ पे वो खड़ी है अपने बच्चे के साथ। चलिए गाइस आगे चलते हैं,
तरह से जो है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। खाने के लिए चाहिए दे रहा दे रहा दे रहा चेरी हटो ना तुम हटो ना देखो कितना कुदरा हेलो गाइस, तो आप सबको एक चीज बहुत ही तगड़ा वाला दिखाने आ रहा हूँ। ये बन रहा है रोटी, और रोटी जो है बताइए लो कि कैसा बेला जा रहा है, और ये जो बना रहे हैं वो और कोई नहीं हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, हर काम में एक्सपर्ट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कैसा लगा है आज आपको? तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, लोग आप लोग बताइए कि कान में का कैसा है, हम ही गिफ्ट किए हैं भाई साहब। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो देख सकते हैं लोग, आज हम लोग के घर में एक बार रोटी जो खिला रहे थे जीते थे आप, याद है? और ये चपाती इतना बन गया है, और भी खाना वाना बना हुआ है, और ये बैगन का बना हुआ है, और सलाद बना हुआ है, और इसके साथ जो है बहुत ही अच्छा चीज है, और मम्मी जो है सब अरेंज कर रही हैं। तो मम्मी कैसा लग रहा है आप लोग दोनों जन मिलकर अभी काम में हाथ बटा रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा लगता है, अपना काम है करना चाहिए। और एक महारानी जी तो अभी छुपी हुई है। 1 2 3 अरे गाना कहाँ बजा रहा है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये बैठी है बेचारी, प्याज काट रही है। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं लोग कि आज पूरा किचन भरा हुआ लग रहा है, घर को पता नहीं किचन भरा हुआ लग रहा है। तो देख सकते हैं लोग कितना अच्छा से सब लोग, अब खाना भी निकल गया है, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो रात का वक्त हो चुका था, तो आई होप आप सबको आज अभी तक तो यहाँ तक यहाँ का पार्ट जो है अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आगे क्या होगा इसके बाद। तो लव यू चिप का पैर, तुम्हारे पैर से अच्छा है। देखिए मम्मी ये देखिए मेरे मुंह के ऊपर एकदम फोकस कर रहा है पंगा। अच्छा लगा। तो तू लगाना छोड़ दिया। एक को गाना दिए तो उसको एकदम नोच नाच के छोड़ दिया, अब उसको छोड़ना पड़ गया गाना को। कौन सा गाना था बताइए? जब तेरे करीब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपको कैसा अच्छा लग रहा था बिचारी चला के? आपको अच्छा लगता था अपना पुराना हाथ दिखा दीजिए अपना। ये कैसे देख सकते हैं लोग, इनका हाथ जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। किसके कारण हुआ था? मेरी बहन का। तो इनकी बहन के कारण? कौन बहन? चैनपुर वाली। ठीक है, तो चैनपुर वाली जो मौसी थी, पता नहीं हम तो छोटा था हमको मालूम नहीं है, लेकिन आता था हमको। तो गाइस चलिए जल्दी से वीडियो को खत्म करने, बाय बाय। आई एम सॉरी बाबू।